इस रागनी सिलाई नॉलेज में आपका स्वागत है। तो हम आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में सिंपल सूट की कटिंग, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगी। अब वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट का पल्ला है जिसमें बना बनाया गला है, ये दोनों ज्वाइंट रहता है, मैंने ज्वाइंट निकाल दिया है। फ्रंट का पल्ला है और ये देखिए, ये हमारा बैक का पल्ला है, इसमें भी गला बना बनाया है। तो हमारे कस्टमर को पसंद नहीं है इतना छोटा गला, मैं गले को डीप करूँगी, ठीक है। और डीप गले में आपको कटिंग बताऊँगी कि कितना शोल्डर रखना है, और मतलब गले कटिंग ही बस मैं नहीं बताऊँगी, जो हमारा हिप साइज होता है, ऊपर से कितने पे चाप बनता है, मैं सब चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगी। बस आप वीडियो एंड तक देखते रहें। चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं फ्रंट का पल्ला कट करूँगी। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे का जो डिज़ाइन दे देता है, कितने लोगों को छोटा सूट पहनना पसंद होता है, कितने लोगों को बड़ा सूट पहनना पसंद होता है। तो हमको छोटा करना है तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे मेजरमेंट से लंबाई हमको 41 इंच रखना है। और देखिए, ये हमारा यहाँ 41 इंच आ रहा है, तो इतना हमारा एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो पहले हम इस पट्टी को निकाल लेंगे, फिर सिलाई करते समय इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए मैंने नीचे का लेस निकाल लिया है, तो हम अलग अलग बैक और फ्रंट दोनों पल्ले का कटिंग अलग अलग करेंगे। तो देखिए, हमारा फ्रंट का पल्ला है, इसको हम 2 फोल्ड करेंगे। ये देखिए, 2 फोल्ड करने के बाद से हमको ऐसे अलग कपड़ा जो रहता है उसको तो हम कहीं से भी फोल्ड कर देते हैं, लेकिन इसका हमको सेंटर देखना है, जो हमारा गला का सेंटर है, यहाँ से हम बिल्कुल सीधे से इसको 2 फोल्ड करेंगे और इस गले को भी मिलाते जाएंगे। उसके बाद से देखिए क्या देखना है कि गला कितना इंच रखना है आपको, ठीक है। तो आप ऐसे मेजर टेप को एकदम सीधा करके ऐसे माप लेंगे इस लेवल के हिसाब से। तो देखिए, हमारे में हमको 6.5 इंच गला रेडी रखना है, तो हम 7 इंच में मार्क कर देंगे, ये देखिए। उसके बाद से हमको लंबाई देखना है, 41 इंच लंबाई हमको रखना है। तो यहाँ से हमारा कितना आ रहा है, देखिए 39 इंच आ रहा है। तो जो ये हम पट्टी जोड़ेंगे, देखिए आपको हम समझा दे रहे हैं, जो ये हम पट्टी जोड़ेंगे उसमें हम 2 इंच नीचे, देखिए इतना इतना नीचे करके ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे हम। देखिए, ज्वाइंट करते समय इतना हमारा ये नीचे होगा। अब देख सकते हैं कि हमारा पूरा सूट का लंबाई 41 इंच रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिलाई करते समय इसको जोड़ के बताऊँगी। देखिए, तब तक मैं इतना पे ही कटिंग करूँगी। तो सूट में लंबाई का मेजरमेंट तो हो गया, अब इसके बाद से हमें शोल्डर देखना है। तो इसमें यहाँ तक तो कपड़ा है नहीं कि आप लोगों को, मतलब जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा ही, बट कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें, मैं सब कुछ आपको समझाऊंगी। तो देखिए, तो हमें डीप गले की सूट बनानी है। तो डीप गला में आप लोगों को मालूम ही होगा कि शोल्डर पतला रहता है। देखिए, हमको 3.5 इंच ही शोल्डर लेना है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो है शोल्डर, हम डीप गले में शोल्डर लेते हैं उसमें हम डाउन नहीं करते हैं, 1/2 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा और 3 इंच हमारा रेडी बच जाएगा। उसके बाद से हम देखिए इसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमको, अब मान लीजिए पूरा मेजरमेंट तो है नहीं कि आप लोगों को मालूम चले कितना हमें आर्म होल की लंबाई लेनी है, तो इसके लिए ईजी मेथड मैं बता रही हूँ कि डीप गले में 5.5 ही अच्छे, इतना ही बीच में हमें आर्म होल की लंबाई लेनी है। देखिए, मैं 6 इंच ले रही हूँ। उसके बाद से देखिए सीने का मेजरमेंट कितना है, 42 इंच सीना है, तो उसका 1/4 भाग आपका 10.5 हो गया। ये देखिए, मैं 10.5 पे मार्क लगा दे रही हूँ। उसके बाद से देखिए, जो हम लोग कमर का माप लेते हैं कि कमर का फिटिंग का माप हम लोग को कहाँ से लेना है, तो देखिए 11, 12, 13 जैसे आपकी क्लाइंट की लंबाई रहेगी उसके हिसाब से हम लोग उसमें मार्क लगाते हैं। तो मीडियम लंबाई है तो हम 13 इंच पे लगा देंगे। देखिए, उसके बाद से शोल्डर से लेकर के जहाँ हम चाप बनाते हैं उसका लंबाई हमें देखना है। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम कहाँ तक, मतलब चाप की लंबाई रखें, कितना रखें। तो इसके लिए सबसे ईजी मेथड है कि पहले तो आपके पास अगर आप जो भी कपड़ा बना रहे हैं उसका परफेक्ट माप है, जो कपड़ा से माप के हम लोग बनाते हैं, तो आप तो माप सकते हैं कि कितने पे चाप बना है। शोल्डर पे मेजर टेप को रखिए, यहाँ तक माप लीजिए, उसमें 1/2 इंच प्लस कर लीजिए जो शोल्डर में हमारा जाएगा।
इतना तो आपका क्लियर हो गया। लेकिन आपके पास कोई माप नहीं है, अगर आपको बॉडी से माप लेना है तो उसमें सबसे पहले देखना है कि आपका जो कस्टमर है जिसका आप कपड़ा बना रहे हैं उसका हाइट थोड़ा कम है, तो उसके लिए आपको 18 इंच रेडी रखना है, और हाइट अगर नॉर्मल हाइट है तो 19 इंच रखना है। अगर आपकी कस्टमर की हाइट ज़्यादा है तब आपको 20 इंच रखना है, 20.5 इंच रखना है, नहीं तो आपका जो नेफा बनता है नीचे आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको हाइट के हिसाब से ये लेना है, ठीक है, इतना आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, हर साइज़ के सूट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ठीक है, तो हमारे मीडियम लंबाई है तो 19 इंच पे रखेंगे, देखिए 19 इंच हमारे रेडी चाहिए, तो आधा इंच हम बढ़ा लेंगे जो शोल्डर में हो जाएगा। 3 मार्क हो गया, चेस्ट का, कमर का और ये हमारा हिप का। उसके बाद से देखिए, ये तो हमारा हो गया 10.5, फिर देखिए कमर का साइज है 38 इंच, उसका चौथाई भाग हुआ 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पर हम मार्क लगा देंगे। फिर देखिए हिप साइज होता है क्या, तो हिप साइज में जितना हमारा चेस्ट है उतना ही हमारा हिप साइज है, देखिए 10.5 रेडी है, ये तो हो गया। उसके बाद से हम 2 इंच प्लस करेंगे, आपको तो मालूम ही होगा कि 2 इंच प्लस करना पड़ता है हमें ब्लाउज हो या सूट हो, क्योंकि मार्जिन के लिए हम कपड़ा लेना जरूरी रहता है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारा चाप, हम सिलाई वाला चाप बनाएंगे, चौड़ा फोल्ड नहीं करेंगे, अगर तुरपाई वाला चाप बनाना होता तो हम 2 इंच लेते, तो हम देखिए 1.5 इंच ही लेंगे। उसके बाद से हमको किस चीज़ का मेजरमेंट देखना है, देखिए जो नीचे का हमारा घेरा होता है तो कितने माप में घेरे का चौड़ाई ज़्यादा होता है हिप साइज से, कितने में सेम हिप साइज के बराबर ही नीचे होता है, तो हमारे में हिप साइज के बराबर ही है। तो सबसे आसान तरीका देखिए, आप यहाँ जो मार्जिन के लिए कपड़ा लिए हैं उसको लेकर के भी आप नापेंगे, तो इसमें 12 आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी हम 12 इंच पर मार्क लगा देंगे, और ये हमारा 1.5 इंच हो गया अंदर वाला मार्किंग। उसके बाद हम पूरे मार्किंग को मिला लेंगे, देखिए। हाँ, एक चीज़ आपको और हम बता देना चाहते हैं कि देखिए क्लाइंट को देखिए चेस्ट के हिसाब से, जैसे जो थोड़े मतलब हेल्दी लोग होते हैं उनमें हम देखिए ये अपर चेस्ट है, ये लोअर चेस्ट है, देखिए तो 3 इंच पे यहाँ पे हम एक और मार्क लगाएंगे, तो ये हमारा 10.5 है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको हम चौड़ाई और देंगे 11 इंच लगभग, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मतलब बराबर से आप इसका मतलब सिलाई लगा देते हैं तो यहाँ पे चेस्ट पे थोड़ा फिटिंग होने लगता है सूट, तो इसके लिए हर एक माप में ऐसा नहीं होता है। अगर आपका क्लाइंट हेल्दी है तो ही इसमें मतलब होगा, सॉलिड पर्सनालिटी वाले के लिए कोई उतना वो नहीं रखता है, हर एक सूट में हमें नहीं करना है, हमें अपने कस्टमर के बॉडी के हिसाब से ही इसको लेना है। देखिए पहले इसको मिला देंगे, उसके बाद से देखिए इसको मिला लिए, फिर उसके बाद से देखिए इस मार्क को भी मिला लेंगे, और मिलाने के बाद से देखिए इतना ऐसे हम एक और मार्किंग बना लेंगे जो हमारा सिलाई वाला होगा। ये तो हमारा हो गया, फिर देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन इसको भी मिला लेंगे, उसके बाद से हम बॉक्स बनाएंगे जो हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ये हमारा 3 हो गया, 3.5 है, इसमें हमको रेडी रखना है 3 इंच, तो 6 इंच पे हमने आर्म होल की लंबाई ली है, तो देखिए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, 4x4 एक बॉक्स बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट का पल्ला है, ये भी देखना है हमको, तो इसमें हम 1 इंच ही गोलाई लेंगे, देखिए बैक के पल्ले में 1.5 इंच लेना होता है, इसमें हम 1 इंच ही लेंगे, देखिए ये हमारा ये आ रहा है, आराम से हम यहाँ से राउंड शेप दे देंगे, देखिए हमारा गोलाई भी बन गया, ठीक है। उसके बाद से हम इस पर कटिंग कर लेंगे, तो हमें कटिंग देखिए किस पे करना है, ये तो हमारी फिटिंग वाली लाइन है, इस पर हमको कटिंग नहीं करना है, जो मार्जिन के लिए कपड़ा रखे हैं उस पर कटिंग करना है, तो देखिए आपको कटिंग करके हम बता रहे हैं। और एक बात आपको और देना है, डीप गले में हमको 3 से 3.5 ही शोल्डर रखना होता है, क्योंकि ज़्यादा शोल्डर होने पे शोल्डर साइड में लटकने लगता है, तो अच्छा नहीं हमारा फिटिंग बैठता है, तो 3.5 ही आप रखिए, 3 रखिए, इससे ज़्यादा मत रखिए अगर डीप गला है तो। और बाकी नेक गले में और जो हमारा कॉलर वाला कुर्ती आता है उसमें तो हर एक अलग अलग मेथड है, तो हम कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं।
देखिए गाइस मैंने कटिंग कर दी है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने निकाल दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा मेन फिटिंग है उस पर हम छोटा सा कट देंगे एक, क्योंकि जब हम फिटिंग करेंगे कुर्ती सी लेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक कट यहाँ पे देंगे, देखिए जो हमारा हिप साइज यहाँ पे बैठेगा, चॉप चॉप बनेगा, देखिए यहाँ यहाँ ये कट दे देंगे। उसके बाद से हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। तो गाइस देखिए हमारा बैक पल्ला है जिसमें आपको हम बताए हैं कि हमारी कस्टमर को डीप गला चाहिए, ठीक है। तो हमको जब डीप गला बनाना है तो इसको तो हमको कट करके निकालना ही होगा। प्लस देखिए जैसे सेम आगे वाले पल्ले में हुआ था वैसे ही ये हमारा इतना लंबा हो जा रहा है, तो इसको हमको पहले निकाल लेना है। देखिए तो अच्छे से सिलाई इसकी निकाल के इसको हमें निकाल लेना है। ये हमारे निकाल के साइड में रख देंगे। इसको कपड़े के ऊपर से ऐसे जितने पे हमारा लंबाई परफेक्ट आएगा उतने पे ऐसे हम सिलाई करते समय अटैच कर लेंगे। तो इसको निकाल लेंगे, फिर देखिए इसको टू फोल्ड करेंगे। लेकिन देखिए ये हमारे जो फ्लावर्स दिए गए हैं तो हमको टू फोल्ड करना है, तो ये हम ये हमारा सेंटर है, यहीं पर से हमको टू फोल्ड करना है। देखिए देखिए हमारा कपड़ा टू फोल्ड हो चुका है। अब इस पर हम कोई ड्राइंग नहीं बनाएंगे, जो हमारा फ्रंट पल्ला का कटिंग हुआ है हम उसी को रख के आराम से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल आराम से इसको रख के आराम से बैठा लेंगे। देखिए हमारा हो गया। तो हमने अगले पल्ले को पिछले पल्ले पे देखिए कितने अच्छे से बैठा लिया है। उसके बाद से देखिए हमको जो बैक का पल्ला होता है उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि जब आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं तो पीछे का जब गला है जो आराम से शोल्डर पे बैठ जाता है, फ्रंट का गला ना पीछे घिंचता है ना पीछे का आगे आराम से बैठ जाता, तो आधा इंच हमको एक्स्ट्रा लेना होता है। देखिए उसके बाद से हम इसी के हिसाब से देखिए, तो ये हमारा तो एक इंच पे हमने गोलाई दी थी तो हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि ये हमारा बैक का पल्ला है, ठीक है। बस इसी के हिसाब से हम मार्किंग करते जाएंगे। देखिए ये हमारा जो देखिए इतना एक्स्ट्रा है तो इसमें जो कम पड़ रहा था जो हमें नीचे इतना करना है तो इसमें नहीं करना पड़ेगा, इसमें कपड़े के बराबर से ही लेस को हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए हमारा मार्किंग हो गया है। और ये देखिए इतना जितना इसमें शोल्डर रखें उतना इसमें रखेंगे। ये जो गला बच रहा है इसको हमें डीप गला करना है, तो गला काट के आपको हम बता रहे हैं। पहले इसको निकाल के इसका कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने बैक पल्ले की भी कटिंग कर ली है। उसके बाद से हमें गला का मेजरमेंट लेना है। तो हमारे में गला 9.5 इंच रेडी रखना है तो हम 10 इंच लेंगे। देखिए डीप गला है इसकी वजह से शोल्डर हम पतला लिए हैं, साइज तो थोड़ा बड़ा है फिर भी हमको शोल्डर पतला ही लेना है, ज़्यादा पतला ज़्यादा चौड़ा शोल्डर अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए जैसे कि मैंने बोला है आपसे कि आप ऐसे ड्राफ्ट बना लीजिए जिसके हिसाब से आपका सिलाई मतलब बहुत अच्छा से बैठ जाए, गला का राउंडिंग अच्छा होता है, कटिंग अच्छा होता है, तो हमारा गला बहुत ही प्यारा बनता है। देखिए थोड़ा सा हमें चौड़ाई लेना पड़ेगा गले का, इसके हिसाब से आप तो हम इसको निकाल लेंगे पहले, उसके बाद से गले की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइस बैक की पल्ले की कटिंग मैंने कर ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप गला है हमारा, आप देख सकते हैं 9 इंच का रेडी गला है 9.5 इंच का। तो दोनों साइड की कटिंग हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट पल्ला है तो आपने देखा ये फ्रंट पल्ले में बना बनाया हुआ हमारा गला है, तो इसमें हमको कोई कटिंग नहीं करना है। उसके बाद से देखिए अगर इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। अब देखिए दोनों पल्ले की कटिंग हो चुकी है, अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो हमारे में 3/4 बाजू बनाना है जिसका लेंथ हमें रखना है 16 इंच तक। तो थोड़ी हेल्दी लेडी हैं तो देख ले रहे हैं कि हमारा गला का
तो आर्म होल का जो गोलाई होता है इसमें आप आ रहा है कि नहीं, तो देखिए इसमें हम ज्वाइंट भी लगा सकते हैं। कम कपड़ा आता है तो आप लोग को मालूम ही होगा इसमें हमें ज्वाइंट डालना पड़ेगा। देखिए कपड़े को फोर फोल्ड करेंगे, ठीक है। हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको फोर फोल्ड कर रहे हैं, कपड़ा हमारा कम पड़ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हम ज्वाइंट लगा लेंगे बाद में, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो देखिए 16 इंच लंबाई लेना है हमको, तो हम 1.5 इंच उसमें प्लस करेंगे, 17.5 रखेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए काफ़ी समस्या खड़ा होता है कि जैसे कि मतलब हम बाजू कट करने के लिए कितना कपड़ा चौड़ाई मिले, लंबाई तो आपका आपको मालूम होता है कि आपको कितना रखना है, तो हमको चौड़ाई लेना कितना होता है। तो उसका सबसे ईजी तरीका है कि आपका जो चेस्ट का चौथाई भाग आ रहा है, यानी कि जैसे हम 10 इंच पे मार्क किए थे 10.5 पे, बस उतना कपड़ा आपको यहाँ लेना है। तो 10 इंच पे तो फिटिंग का मार्किंग हुआ था, मैं उसमें 2 इंच प्लस किए थे, तो हमारा कितना आ रहा था 11.5। तो आपको यहाँ से कपड़ा लेना है उसमें 0.5 इंच माइनस करके 11 इंच, मतलब हमारे यहाँ इंच में कपड़ा नहीं है लेकिन आपको हम समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि हमें कपड़ा 11 इंच लेना है इस माप में। जैसे जितना हम शोल्डर के लिए प्लस करके लेते हैं उसमें 0.5 इंच माइनस करके हमको ले लेना है, हमारा आर्म होल का गोलाई परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम कपड़ा ज्वाइंट करके आपको समझा दे रहे हैं। तो देखिए आप लोगों के भी स्लीव्स में कपड़ा कम पड़े तो आप ऐसे ही ट्रिक से अपना स्लीव्स बड़ा वाला बना सकते हैं। तो देखिए मैंने फोर फोल्ड करके ये हमारा एक, देखिए ये हमारा फोर फोल्ड है, ये ओपन साइड है, बंद साइड है, ये भी कपड़ा फोर फोल्ड है। उसके बाद से हमको कितना लेना है, देखिए हमारे सीने के चौथाई भाग से 0.5 इंच माइनस करके, तो देखिए 11.5 उसमें हम कपड़ा रखे हैं, इसमें हम 11 इंच ले लेंगे। देखिए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखिए बड़ी वाली स्लिप से हमको कितना डाउन करना होता है, 3 इंच डाउन करना होता है, ऊपर से हम 3 इंच डाउन कर देंगे। देखिए उसके बाद से हमें 2-3 मार्किंग करनी होती है, आर्म होल की मार्किंग प्लस बीच में जो हमारा पहुंचा आता है जो किवनी से ऊपर का भाग होता है, तो देखिए हमें 7 इंच रखना है, 7 इंच आपका हो गया, और यहाँ पे हमें 6 इंच रखना है फिटिंग के लिए। देखिए ये हमारा हो गया, अब हम यहाँ से 3 इंच जो डाउन हुआ है उसमें देखिए इतना कपड़ा हमारा मार्जिन के लिए है। अब इसको देखिए हमें से करके मिला देना है, ये हमारा बैक साइड का है, देखिए कपड़ा यहाँ पे हम रखे हैं ज्वाइंट अभी नहीं हुआ है। तो देखिए तो 3 इंच हमारे यहाँ से डाउन किए और यहाँ से यहाँ लगा करके मिला दिए। उसके बाद से देखिए हमको क्या करना है, देखिए आराम आराम से इस लाइन को भी हमें मिला लेनी है और ये हमारा मार्जिन वाला हो जाएगा। देखिए इसमें इसकी आर्म होल की गोलाई आप पहले एक बार देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए ये आपका कितना आ रहा है, 11 इंच आ रहा है। तो आप जहाँ आपका 11 इंच आए वहाँ से इसको कट कर दीजिए, देखिए यहाँ हमारा 11 इंच आ रहा है और ये हमारा मेन लाइन होगा। इसमें फिर 0.5 इंच हम अंदर की तरफ ऐसे करेंगे, देखिए जो हमारा फ्रंट का जो आर्म होल होगा इसको ऐसे चढ़ा लेंगे, कटिंग आराम आराम से कर लेंगे। स्लीव्स के लिए कपड़ा कम पड़ जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट हेल्दी लोगों में तो प्रॉब्लम होता ही रहता है। अब हम इसमें जब ज्वाइंट कर लेंगे तो हम इतना कट करके निकाल लेंगे। ये हमारा स्लीव्स का भी कटिंग हो गया, आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आया हो और आप जिस टाइप का भी वीडियो चाहते हो सिलाई से रिलेटेड, प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।